स्मोक कांड के शोले, संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर जबरदस्त सियासत देश में इस वक्त चल रही है। विपक्ष सुरक्षा के मामले को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर पलटवार करने से नहीं चूक रही है। दिखाते हैं रिपोर्ट। मूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में टूट गए। प्रताप सिंह जो बीजेपी एमपी है, जिसके साथ मोदी जी का तस्वीर भी है, तो उसको क्यों एक्सपेल नहीं किया जाएगा? तेरह दिसंबर संसद में हुआ स्मोक कांड सियासत में बयान का बवंडर लेकर आया है। अगर सवाल पूछे जाए तो तुरंत बहिष्कार, ये क्या चलते हैं, ये ठीक नहीं। सदन के अंदर प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, जहां सिंगल रखने वाले प्रधानमंत्री ये नया सदन बड़ी धूमधाम से उद्घाटन किए थे, उनको तो आना चाहिए था ना। तो हमारा तो मांग यही है, ज्यादा तो कुछ नहीं, चर्चा चाहते हैं, सदन में हिस्सा लेना चाहता है। और आप शुरू के दिन से आज तक आप देखते जाओ कि हम लोग पूरा सहयोग किया या नहीं, रिकॉर्ड ये बताएंगे, पूरा सहयोग हम लोग किए थे। अमित शाह जांच कर रहे हैं, करवा रहे हैं, परत दर परत खुल रहा है, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। अमित शाह ठोक करके करारा जवाब है। स्मोक कांड को लेकर विपक्ष लाल है, सियासत में उबाल है, आरोप प्रत्यारोप की जंग पर अब नया रंग चढ़ रहा है। विपक्ष के दल आरोपियों के विजिटर पास के लिए सिफारिश करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा को घेरने में जुटे हैं, तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोपियों के तार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से जोड़ दिए हैं। ये पूरा माने क्रिस्टल क्लियर है, इसमें ज्यादा बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। ललित जा इज ए फंक्शनरीज ऑफ टीएमसी यूथ विंग्स, इज क्लोजली एसोसिएट विद टीएमसी माने रैंक एंड फाइल। विपक्षी दलों की मांग है कि संसद में घुसपैठ के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें, लेकिन घटना के चौथे दिन भी गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब नहीं दिया तो विपक्षी दलों ने हमले और तेज कर दिए। गृह मंत्री जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हादसा हुई है तो कम से कम सदन में आकर के इसकी बात को जो है रखें कि कहां गलती हुई, किनके कारण गलती हुई, कहां हम लैग किए। तो कम से कम एक अपेक्षा है कि गृह मंत्री सदन में सभी सांसदों के सामने वक्तव्य अपना दे, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन ब्रीच हुई है तो ये गंभीर मसला है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते, क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब इसलिए भी मांगा जा रहा है क्योंकि देश की संसद को सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थलों में गिना जाता है। संसद की सुरक्षा के लिए अलग से फोर्स का गठन किया गया है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी फोर्स के पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सत्र के दौरान सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के जवान भी तैनात रहते हैं। एनएसजी और एसपीजी जैसी सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी संसद पर रहती है। ऐसे में संसद के सुरक्षा घेरे को तोड़कर सदन तक पहुंच जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। यही सवाल अब विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। सदन को धुएं से भर देते हैं और वो तब होता है जब ये देश 22वीं बरसी मना रहा था सदन पर अटैक की और अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहा था उन लोगों को जिन्होंने सदन की हिफाजत में अपनी जान की का बलिदान दिया, और ये कह रहे हैं कि इस पर हम राजनीति कर रहे हैं,
किस बात का इंतजार करें, क्योंकि अनहोनी हो जाती, ईश्वर की कृपा थी कि कोई अनहोनी हुई नहीं, लेकिन इस तरह की जो सेंधमारी सुरक्षा में हुई वो सरकार की विफलता दिखाती है। और अपनी विफलता को छिपाने के लिए आप विपक्ष को ब्लेम करिएगा, अपनी सुरक्षा की विफलता को छुपाने के लिए आप विपक्ष के सांसद को निलंबित करिएगा, लेकिन अपने एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करिएगा, जिसके चलते वो लोग अंदर आए। अगर अनहोनी हो जाती तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ तो दगा आपके एमपी ने किया, उसका निलंबन नहीं, उसका निष्कासन होना चाहिए। डिप्यूटी स्पीकर कहाँ है भाई साहब, कोई बीजेपी से पूछे, नहीं अपॉइंट किए। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है जो पार्लियामेंट की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं, अपॉइंट नहीं किए गए, कोई बीजेपी से पूछे। आधे से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी काम पे हैं, आधों की वैकेंसी है, क्यों एम्प्लॉय नहीं हुए, वो कोई केंद्र सरकार से पूछे। और मैं पूछ रही हूँ, लोकसभा सेक्रेटेरिएट किसके अंदर आता है, क्या होम मिनिस्ट्री इसकी जिम्मेदार नहीं है, होम मिनिस्ट्री इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, अगर नहीं भी ले जवाबदेही तो लेगी, जवाब तो देगी जनता को कि क्या कमियाँ हुई हैं। तो उन सब से भागने के लिए आप ये सारे, अरे इनसे कनेक्टेड हैं, उनसे कनेक्टेड है, ये उनके कारण है, वो उनके कारण है, आप कारण छोड़िए, कनेक्शन छोड़िए, साइन किया था बीजेपी एमपी ने और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी सरकार की। हालांकि स्मोक कांड को लेकर विपक्ष के नेता जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि एक तरफ विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी ओर आरोपियों पर विपक्षी दलों के सुर नरम हैं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक विपक्ष के तमाम नेता संसद में घुसपैठ के पीछे बेरोजगारी को बड़ी वजह बताने में जुटे हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। हम सदन में गृह मंत्री से क्या हुआ उस बारे में एक निवेदन चाहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जो हम सांसद है उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उसमें राजनीति क्या है भाई। यानी संसद में सिक्योरिटी ब्रीच पर अब सहूलियत की सियासत आकार ले रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने किसके इशारे पर संसद की सिक्योरिटी में घुसपैठ की, साजिश के पीछे कितने किरदार हैं और किरदारों के तार कहां तक जुड़े हैं, तस्वीर अभी साफ नहीं है। ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से बेरोजगारी वाले तर्क ने बीजेपी को पलटवार करने का मौका दे दिया है। दावा है कि विपक्ष अराजकता को बढ़ावा दे रहा है। विपक्षियों का काम है हर चीज को, गलत काम को बढ़ावा देना, उनको कंडेम करने की बजाय ये उनके पक्ष में बोल रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। मतलब स्मोक कांड की जांच अभी भले ही पूरी नहीं हुई है, सियासत फुल स्पीड में दौड़ रही है, आरोप प्रत्यारोप के बहाने एक दूसरे को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की जद्दोजहद जारी है। ABP News, आपको रखे आगे।